इस वीडियो में आप समझेंगे कि आप कैलकुलेटर में कैसे डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास टू हैंड्स ऐप होना चाहिए। मेक श्योर कि आपने उसमें लॉगिन किया है। बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सेटिंग में जाएंगे, आप प्रोफाइल में जाकर के अपनी UPI ID जो वाला जो फीचर है यहाँ पे आपको अपनी UPI ID मेंशन करनी पड़ेगी। आप UPI ID मेंशन करो और उसको सेव करो। वो चीज़ें मैंने यहाँ पे करके रखी हुई है, तो आप प्लीज़ UPI ID मेंशन करके उसे सेव करो। एंड देन आपको कैलकुलेटर में मेक श्योर लॉगिन हो और वाईफाई से कनेक्टेड हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आपको क्या करना है, मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद आप ये फॉरवर्ड बटन से प्रेस करते हुए आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा एक फीचर सिंक का। तो सिंक में क्या करना है, आपको इंटरप्रेस करोगे आइटम सिंक प्रिंटर सिंक UPI ID। तो हमें UPI ID पे क्लिक करना है, ठीक है। फॉरवर्ड बटन से आएंगे, UPI ID पे सिंक पे क्लिक करेंगे। अब मेरी जो UPI ID है सिंक हो गई सक्सेसफुल। अब डायनेमिक QR कोड बहुत ईजिली हम जनरेट कर लेंगे। हमें क्या करना है, सी बटन को प्रेस करना है, ठीक। हम आ गए कैलकुलेटर के कैलकुलेशन स्क्रीन पे आ गए, ठीक है। अभी हम लेंगे 63 प्लस मैंने कर दिया 10, मुझे मिल गया 73। अब मुझे सेल्स या एक्सपेंस जो भी है, मेरा सेल्स है ये, तो सेल्स में मेक श्योर कि पेमेंट मोड आपका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायनेमिक QR कोड में पेमेंट मोड कैश नहीं होगा। यहाँ पे पेमेंट मोड होगा UPI ID वाला होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 73 अब मैंने इंटर किया, ये बन गया मेरा QR कोड। इस QR कोड से आपको ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन मिलेगा। अभी हम इसको स्कैन करके देखेंगे कि ये हमारा डायनेमिक QR कोड वर्किंग में है कि नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि डायनेमिक QR कोड हमारा वर्किंग में है, हम इससे अपना पेमेंट भी ले सकते हैं।